अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे पास फिर से मौजूद है रियलमी C53। इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी तकरीबन ना स्पेसिफिकेशन C51 से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसकी प्राइस 10,000 रुपये उससे ज़्यादा है। तो क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल से बताता हूँ। तो फिर जल्दी से सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमें तकरीबन चीज़ें भी सेम देखने को मिल रही हैं C51 से। ऊपर ही हमें सबसे पहले एक सिलिकॉन केस देखने को मिल रहा है, इसी के साथ कुछ पेपर वर्क है। और ये रहा जी हमारा फ़ोन, चेक करें क्या कमाल का डिज़ाइन है, ये देखें। और इसी के साथ नीचे हमें एक अडैप्टर और USB टाइप सी केबल देखने को मिल रही है। और अभी हम बात करते हैं जी अपने मेन फ़ोन की। तो सबसे पहले अगर इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसके डिस्प्ले के अंदर कोई भी चीज़ नहीं देखने को नहीं मिल रही। मतलब कि जो चीज़ें हमें रियलमी C51 के अंदर देखने को मिल रही थी, सेम सारी चीज़ें यहाँ भी हमें प्रोवाइड की गई हैं। मतलब कि 6.7 इंचज़ की IPS LCD है, 720p की रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। मतलब कि जहां पे ये हमें 1080 की डिस्प्ले प्रोवाइड कर देते या फिर पंच होल वाली डिस्प्ले दे देते। इसके अलावा 120 हर्ट्ज तो खैर छोड़े उसकी बात, लेकिन चले ये दो चीज़ें हमें अपग्रेड कर देते ना तो हमें एक बेहतर डिस्प्ले देखने को मिल जानी थी। बाकी इसके अलावा अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन भी सारा सेम ही है। हेडफोन जैक, USB टाइप सी पोर्ट, स्पीकर्स और एक तरफ हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है पावर ऑन ऑफ के बटन के ऊपर ही। उसी के ऊपर हमें वॉल्यूम कीज देखने को मिल जाती हैं, एक तरफ सिम ट्रे। और अगर बैक डिज़ाइन की बात की जाए तो इसके अंदर हमें दो कलर्स देखने को मिलते हैं। मेरे पास अभी मौजूद है जी गोल्ड कलर, और इसके अलावा जो दूसरा फ़ोन है वो है जी ब्लैक कलर के अंदर। बाकी जहाँ ना पीछे आपको इस तरह लगता है कि ये कोई टेक्सचर है, मतलब अगर आप इसे फील करना चाहें तो फील नहीं होता कि ये टेक्सचर है, बस देखने में काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन मुझे लगा है। उसी के साथ इन्होंने पीछे हमें वही दो बड़े सर्कल जिसके अंदर कैमराज हैं और एक के अंदर LED फ्लैश, मतलब कि वही सेम कॉपी iPhone वाली जिस तरह के हमें रियलमी C51 के अंदर देखने को मिल रहे थे कैमराज इसके। इसी के साथ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमें रियलमी C51 के अंदर देखने को मिल रहा था जी यूनिसोक का T612 और सेम प्रोसेसर हमें जहां भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ वहां हमें 4GB रैम, 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन देखने को मिल रहा था। इसी के साथ दो और वेरिएंट थे, 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला और 3GB रैम 64GB स्टोरेज वाला। तो इसी के साथ इसके अंदर हमें 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ें इसके अंदर ना मैक्सिमम सेम हैं। अगर इसकी बैटरी सेक्शन की बात की जाए तो 5000mAh की बड़ी बैटरी, साथ 33W फास्ट चार्जिंग का स्पॉट। इसी के साथ ये एंड्रॉयड 13 के ऊपर फ़ोन है। और अगर कैमरा सेक्शन की बात की जाए तो बैक के ऊपर हमें मेन 50MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है। C53 के बैक कैमरा जो के 50MP का है और ये वीडियो 1080 30fps पर रिकॉर्ड हो रही है। बाकी रिजल्ट यहाँ आपके सामने है। फ्रंट के ऊपर हमें 8MP की सेल्फी मिलती है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जी रियलमी C53 के फ्रंट कैमरे से 8MP वाला जो है। बाकी इन्होंने 5 से 8MP तो कर दिया, लेकिन वीडियो फिर भी हम 720 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिनिमम 1080 30fps तो प्रोवाइड करवाने चाहिए थे, क्योंकि प्राइस भी तो फिर आपके सामने है। इसके अलावा अगर 5 से 8MP किया तो उसका कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। मतलब ये कि वहाँ हमें 5MP की सेल्फी मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हमें शुक्र है कि 8MP की सेल्फी देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ी अच्छी बात है। अभी अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात की जाए तो इस फ़ोन की प्राइस है जी 40,000 रुपये। मतलब ये कि अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक गेमिंग फ़ोन लेना है तो क्या मैं ये बाय कर लूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके ऊपर गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते, ये सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन है।
मतलब कि इसके अंदर प्रोसेसर हमें इतना हैवी देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ अगर आप चाहते ना कि मुझे इन्फिनिक्स टेक्नो का फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी फ़ोन हो, लेकिन मुझे स्पेसिफिकेशन अच्छी चाहिए, तो आपको इन्फिनिक्स नोट 30 45,000 के अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ फ़ोन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर, उसी के साथ 256 GB की स्टोरेज, 8 GB रैम, मतलब कि इस तरह की काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बस रियलमी का फोन हो या फिर अच्छी कंपनी का फोन हो, तो वो ये फोन है, आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आपको रियलमी C51 बाय करना चाहिए, क्योंकि हमें 95% चीजें सेम देखने को मिल रही हैं, जिसके अंदर डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी सेक्शन सारा कुछ सेम है, बैक कैमरा भी सेम है। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है ना, वो हमें जहां 8 MP का देखने को मिलता है, वहां हमें 5 MP का देखने को मिल रहा था, जो कि मेरे ख्याल के अंदर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें प्राइस भी तो फिर कम देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्टोरेज का सीन है, वहाँ हमें 64 GB स्टोरेज देखने को मिल रही है, जो कि 30,000 के अंदर फ़ोन हमें देखने को मिल रहा है, और ये है जी 40,000 रुपए के अंदर फ़ोन। तो 10,000 बचा के आप उसकी तरफ जा सकते हैं, रियलमी C51 की तरफ। बाकी इसके अलावा किस फ़ोन के ऊपर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा, और उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।